ये चलिए। थोड़ा बहुत सामान घर पे था, थोड़ा बहुत मैंने मंगवा लिया है, जैसे ताजा पनीर और मेयो वगैरह धर्म दादा लेके आ रहे हैं, तब तक मैं बाकी सारी तैयारियां कर लूंगी। तो आज मैं मम्मी के लिए बनाऊंगी नाचनी पनीर रोल। हम कोशिश करेंगे उसे अच्छा खासा चटपटा बनाने के लिए, और वो बहुत हेल्दी ऑप्शन भी होगा। तो मम्मी रेडी टू ट्राई? यस। ओके, सो चलिए मैं किचन रेडी करती हूँ और सारे इंग्रीडियंट्स रेडी करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो मैं आज बना रही हूँ पनीर रोल, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बनेगा, लेकिन मैं उसे गेहूं में या मैदे की रोटी में ना बना करके मैं उसे बनाऊंगी नाचनी में। तो नाचनी इज वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी। उसमें जो आयरन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और वैसे भी ग्लूटेन फ्री होता है। और वैसे भी मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि ये नाचनी, ज्वार, बाजरा, ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। सो ये है मेरे पास नाचनी का आटा। यहाँ पे मैंने चॉप कर दिया है थोड़ा सा कैप्सिकम, ये हाफ कैप्सिकम है क्योंकि वो कैप्सिकम बहुत बड़ा था, तो इसलिए मैंने हाफ ही चॉप किया है। ये एक फुल अनियन मैंने स्लाइस कर दिया है, सॉरी चॉप नहीं, ये भी मैंने स्लाइस ही किया है स्लाइस किया है, इसको भी स्लाइस किया है। ये मैंने मंगाया है पनीर, हालांकि मैं इसको पूरा यूज नहीं करूंगी, इसमें से लगभग सिर्फ हाफ यूज होगा। एंड ये ना मैंने चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा धनिया ले लिया है, जितना धनिया है उससे करीब 1/4 1/3 अमाउंट लिया है पुदीना, और ये है 2 गार्लिक और ये 2 हरी मिर्च। इसकी हम चटनी बना लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो शुरुआत करते हैं हमारे पनीर की जो फिलिंग होने वाली है उसको रेडी करने से। यहाँ पे मैंने पैन गरम कर लिया है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, और ये ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें अपना जो अनियन एंड कैप्सिकम है उसको थोड़े से सौते कर लेंगे। बिल्कुल भी हमें क्रंचीनेस चाहिए, लेकिन उनका थोड़ा कच्चापन भी हटाना है, तो हल्का सा सौते करेंगे। तो जब तक हमारा कैप्सिकम और अनियन जो सौते हो रहा है, तब तक हम लोग पनीर कट कर लेते हैं क्यूब्स में। बहुत फ्रेश और बहुत ही अच्छा पनीर लेके आए हैं धर्म दादा। ये अच्छे से सौते हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा, ज्यादा नहीं। एक बार आपकी अदरक लहसुन के पेस्ट की जो कच्ची महक है वो चली गई, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। अब मसाले ये देखिए, मैंने नमक की जगह यहाँ चीनी रखी, नमक डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से, और फिर हम डालेंगे तंदूरी चिकन मसाला। ये मसाला कहने के लिए तंदूरी चिकन मसाला होता है, पर ये वेजिटेरियन है तो आप इसे अपनी डिश में आराम से बिना किसी स्ट्रेस के यूज कर सकते हैं। और फिर थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर ऐड करने के लिए हम डालेंगे चाट मसाला। सो चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लास्ट में इसमें चाट मसाला ऐड करने वाले हैं, सो इट शुड नॉट बी टू नमकीन, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सॉस भी डालेंगे, फिर उसके बाद ड्रेस करते वक्त आप इसमें चटनी भी डालोगे, तो उस हिसाब से आप बैलेंस कीजिएगा। और अब मैं इसमें डालूंगी तंदूरी चिकन मसाला, करीब 1.5 से 2 चम्मच, गुड। और पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टमेटो केचप। देखिए, मुझे ना थोड़ा मिठास आए तो चलता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी चटनी जो है वो थोड़ी तीखी होने वाली है। अगर आप लोगों को ज्यादा मिठास पसंद नहीं है, मतलब केचप का फ्लेवर, तो आप इसकी जगह इसको चिली सॉस और ये मिक्स कर सकते हैं, बट आई लाइक इट। और आप चाहो तो आप इसमें कटी हरी मिर्च भी डाल सकते हो, या रेड चिली, तीखा पाउडर भी डाल सकते हो। चलिए, अब इसमें हम डाल देते हैं हमारा पनीर। चलिए, तो ये हो गया है पनीर, एकदम सॉफ्ट और जूसी हो गया। अब हम इसे बंद कर देंगे, इसे ढक के साइड में रख देंगे। अब हम चपाती रेडी करते हैं और फिर हम अपना रोल बनाते हैं। सो मैं बना रही हूं अब नाचनी की रोटियां, क्योंकि इसी के ऊपर स्टफिंग वगैरह सब रख के हम अपना पनीर रोल बनाएंगे। सो ये मैं रेडी कर रही हूँ, कुछ नहीं, नॉर्मल है, जैसे आप ज्वार बाजरा वगैरह गूंथते हो, गर्म पानी में आपको आटा गूंदना है, थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदना है,
और उसके बाद यूजुअली इनको बेला नहीं जाता बिकॉज नाचनी इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट. तो आप हाथ से ये देखिए ऐसे ऐसे कर करके ये आटा जो है फैलता रहता है. मैं फिलहाल क्या कहते हैं ड्राई आटे का मुझे यूज करना पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग या आपकी फैमिली में आपकी मम्मी और ये अगर यूज टू है इन ग्रेन से, तो कई लोग तो बिना कुछ यूज किए बना लेते हैं और बहुत अमेजिंग बनाते हैं, जैसे मानसी दीदी. अब चटनी रेडी कर लेते हैं. तो जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको चटनी के उस छन्नी में दिखाए थे वो मैंने डाल दिए. डाला थोड़ा सा पानी, ये थोड़ा काला नमक, और इसके बाद हम इसे चर्न कर लेंगे अच्छे से, ये देखिए. और अब ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू. नींबू से स्वाद भी आता है और चटनी का कलर भी नहीं बदलता. चलिए ऑल सेट, मेरी नाचनी की रोटियां रेडी है, मेरी पनीर की फिलिंग रेडी है, और जो टॉपिंग्स मैं यूज करने वाली हूँ वो भी रेडी है. हालांकि आप चाहे तो यू कैन प्ले अराउंड, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे वो पिज्जा हो, चाहे वो सैंडविचेस हो, चाहे वो रोल्स हो, आप जो चाहे वो एज अ स्प्रेड, एज अ सॉस, एज अ चटनी आप यूज कर सकते हैं. सो मैं आज इसे बहुत सिंपल रखने वाली हूँ. आई विल यूज चीज स्प्रेड, प्लेन चीज स्प्रेड एज द बेस. हालांकि मैंने मेयो निकाल के रखी है, पर मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ चीज स्प्रेड, पनीर एंड चटनी लगाऊंगी तो वो बहुत ही ज्यादा यमी लगेगा. सो वेरी सिंपल, आई विल टेक अमूल चीज स्प्रेड. और ये इतना ज्यादा क्रीमी इसलिए क्योंकि मैंने इसको काफी देर से जो है बाहर रखा हुआ है, तो ये एकदम अच्छे से मैं स्प्रेड कर पा रही हूँ. So, ये देखिए मेरे रोल्स हो गए हैं रेडी. और अब मैं सबसे लास्ट में इसके ऊपर से डाल दूंगी थोड़ा सा रॉ अनियन, तो एकदम क्रंच क्रंच होगा और ये चलेगा. आप अगर और फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो इसमें पिकल्ड बीटरूट भी डाल सकते हैं, जैसे शॉर्मास में होता है, या पिकल्ड कैरेट, वो भी अच्छा लगता है. बट फॉर अ रोल जस्ट दिस मच इज फाइन. इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप यू नो टिफिन में कैरी करना चाहते हैं, बच्चों को देना चाहते हैं. हेल्दी का हेल्दी है, टेस्टी का टेस्टी है, सो दे विल एंजॉय. सी वो केचप थोड़े से हेल्थ को ना ध्यान में रखते हुए मैंने डाली है ताकि उससे थोड़ा वो चटपटापन आ जाता है तो इंसान खा लेता है. चलिए अब इसको रैप कर लेते हैं यहाँ से, ये अच्छे से यहाँ से, और इसे लेके हम यहाँ अच्छे से पैक कर लेंगे. ओके, ये रेडी टू सर्व. ये लो, ये आपका रोल रेडी, ये अभिषेक का रोल रेडी. नाचनी पनीर. कम ज्यादा कुछ तो बोल सकते हो. थोड़ी सॉस कम ज्यादा, वही मैंने आपको बोला कि अगर आपको सॉस का फ्लेवर थोड़ा कम चाहिए तो आप उसे कम कर सकते हो. बाकी मुझे थोड़ा ज्यादा मीठा पसंद है, मुझे थोड़ी ज्यादा केचप पसंद है. तो ओके, तू तो नाचनी ऐसे खाता नहीं है, तो पसंद आया कि नहीं? पक्का? और तुझे इतना सॉस चटपटा चलता है? नहीं, तुझे केचप नहीं चलता. ओ, तो सबके लिए केचप रॉन्ग है. मैं अच्छा, टेस्ट अच्छा. चटनी और मस्टर्ड फ्लेवर पनीर का. ओके. बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा मीठा लग रहा है क्योंकि केचप ज्यादा और कुछ नहीं. दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. आते ही कहते मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो ये लो मेरे रोल बचे हुए थे, ये आप खा के बताओ कैसे बने हैं. हाँ, एक हलो, ये है नाचनी, पनीर, चटनी, चीज स्प्रेड, प्याज. ऐसे कैसे होता है? क्योंकि आपका फीडबैक बहुत क्रूशियल है.
मीठा मीठा तो नहीं है? थोड़ा सा है पर अच्छा है। क्यों चलो अब मैंने अपने पसंद के चक्कर में इसमें टमेटो केचप थोड़ा ज्यादा डाला है कुक करते वक्त, तो वो मम्मी को भी मीठा लगा है, वो अभिषेक को भी मीठा लगा है और आपको भी मीठा लगा है। चलिए अब मैं टेस्ट करती हूँ, ये बात करूं मेरे हिसाब से बिल्कुल बहुत लगता है। हाँ जी आ गई हूँ मैं ऊपर, सबने खाया रोल अच्छे से एंड अब मेरे हिसाब से मेरे टेस्ट के हिसाब से तो बिल्कुल सही बना था। मम्मी को थोड़ा सॉस ज़्यादा लग गई, अभिषेक को सॉस पसंद ही नहीं है लै मुझे ये पता ही नहीं था, और शोएब को भी अच्छा लगा बस थोड़ी सी मिठास उन्हें ज़्यादा लगी, लेकिन उन्होंने बहुत इंजॉय किया क्योंकि उन्होंने खाने के बाद मुझे बोला बहुत अच्छा बनाया, सो दैट मीन्स अच्छा था मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा था। सो आप बनाएंगे तो आप अपने स्वाद के हिसाब से सॉस कम ज़्यादा कर लीजिएगा, सॉस आज के ब्लॉग का हीरो हो गया नहीं। सो एनीवेज गाइज अगर रेसिपी ट्राई कीजिएगा बताइएगा कैसी बनी, बहुत क्विक रेसिपी है और जैसे कि मैंने कहा कि टिफिन विफिन में कैरी करने के लिए बहुत अच्छी है, और ऐसे ही भी कभी कुछ ज़्यादा चटपटा खाने का मन कर रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छी है। सो अगर आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए।